हनुमान, हमें तुम्हारी चिंता लगी थी। मैया, आपकी कृपा और आशीर्वाद दोनों से मैं रावण के सैन्य बल और मनोबल दोनों को भारी क्षति पहुंचाकर आया हूं। लंका दहन करके रावण के आत्मविश्वास को ठोकर मारकर आया हूं। हमारे चरणों में शीश अवश्य झुकाएगा। हनुमान, तुम्हारे इस उपकार का ऋण चुकाना मेरे लिए संभव नहीं है। तुमने तो मुझे जन्म जन्म के लिए अपना ऋणी बना लिया हनुमान। नहीं प्रभु। जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। भैया, इस विशाल समुद्र को लांघने का उपाय हम में से किसी को भी नहीं सोच रहा, परंतु भैया मैं ये कहना चाहता हूं कि भाभी को ये संदेश, ये समाचार मिलना अति आवश्यक है कि समुद्र के इस तट पर आप पहुंच चुके हैं। प्रभु, माता सीता को भी मैं ये विश्वास दिलाकर आया था कि आप शीघ्र ही लंका पर आक्रमण करके आप उन्हें वापस ले जाएंगे। भैया, भाभी तो आपके आने की आस लगाए बैठी होंगी, और जब उन्हें ये ज्ञात होगा कि आप पूरी सेना सहित समुद्र के इस तट पर पहुंच चुके हैं, तब उसका बुझता हुआ दीप फिर से जलने लगेगा। लक्ष्मण, परंतु प्रभु, जो भी संदेश लेकर जाएगा उसे ये समुद्र लांघकर जाना होगा। सुना है वायुदेव भी संदेश वाहक का कार्य करते हैं। आपके संदेश को वायुदेव मैया तक पहुंचा सकते हैं। मैं आ गया हूँ सीते, मैं आ गया हूँ। मैं समुद्र के इस पार खड़ा हूँ और शीघ्र ही समुद्र को लांघकर लक्ष्मण और सेना सहित उस पार पहुंच जाऊंगा। धीरज रखो सीते, धीरज रखो, मैं रावण के बंदी वास से तुम्हें अवश्य मुक्त कराऊंगा, अवश्य मुक्त कराऊंगा। त्रिजटा, सीता पागल हो गई है क्या? देखो कैसे अकेले में इधर से उधर भाग रही है। सीते, माता, सीते तुम ठीक तो हो ना? माता, मुझे तुम्हारी चिंता लगी हुई थी, अब चिंता हमें नहीं उस दुष्ट रावण को करनी होगी। माता, हमारे रघुनंदन आ गए। हाँ माता, हम सत्य बोल रहे हैं, हमारे पति श्री राम आ गए। अच्छा, तेरा पति आ चुका है? अगर आ चुका है तो कहाँ है? माता, वे समुद्र के उस पार खड़े हैं। अच्छा, ये सब तुझे किसने बताया? स्वयं राम ने? नहीं, वायु ने। माता, हम सत्य कह रहे हैं, वायु ने हमें उनका संदेश दिया है। सुना तुमने त्रिजटा? वायु उसके लिए संदेश वाहक का कार्य करता है। माता, हम सत्य कह रहे हैं, उन्होंने जो वायु द्वारा हमें संदेश भेजा है वो हमें प्राप्त हुआ है। आज हमें कई शुभ शगुन हुए हैं। माता, हमने रात्रि में शुभ स्वप्न भी देखा है, ये संदेश तो उत्कर्ष है। सीते, तुम्हें प्रसन्न देखकर मेरा मन अति प्रसन्न हुआ। सीते, माता, हमारे प्रभु भैया लक्ष्मण और सेना सहित समुद्र के उस पार खड़े हैं,
संदेश में उन्होंने हमसे कहा है कि वे समुद्र लांघकर शीघ्र ही हमें मुक्त कराने के लिए लंका आएंगे। समुद्र मार्ग की बाधा बनेगा, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। रावण के पास तो पुष्पक विमान है, हमें ऐसे बहुत से पुष्पक विमान बनाने होंगे, तभी हम ये समुद्र लांघ कर लंका तक पहुंच पाएंगे। प्रभु प्रभु, मैं अपनी सेना के लिए अपना विशाल रूप धारण करके विमान बनके 10-10, 15-15 सैनिकों को अपनी पीठ पर बिठाकर सागर की उस ओर छोड़ाऊंगा। और जब तुम दूसरे 10-15 सैनिकों को उठाकर उस पार ले जाने के लिए इस पार आओगे, तो रावण के सैकड़ों मायावी सैनिक हमारे वानर सैनिकों को मृत्यु के पास भेज देंगे। मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगा कि मेरा कोई भी साथी मेरे किसी भी प्रकार के बुरे निर्णय से प्रभावित हो। हमें धैर्य खोने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज तक हमने हर कठिनाई का सामना धैर्य से ही किया है। हनुमान, लक्ष्मण, शत्रु पर विजय पाने के लिए साम, दाम, दंड, भेद, इस चतुसूरती नीति का सहारा लिया जाता है। हम भी इस 400 कोस के समुद्र को पार करने के लिए अपने धैर्य, बुद्धि, बल और शक्ति की समय अनुसार परीक्षा लेंगे। महाराज सुग्रीव, इस समुद्र को सेना सहित पार करने के लिए हमें कोई व्यावहारिक साधन ढूंढना होगा। स्वामी, साहब बड़े अशुभ अमंगल हो रहे हैं। भारी भय आशंका से मेरा अंतर्मन कांप उठा है। परंतु अपशकुन ने हमारी आज्ञा के बिना लंका में प्रवेश किया कैसे? मैं आपसे जो कुछ भी निवेदन कर रही हूँ वो स्वप्न नहीं, सत्य अनुभव के आधार पर कह रही हूँ। स्वामी स्वामी, मुझे बहुत डर लग रहा है। स्त्रियां स्वभाव से ही थोड़ी डरपोक होती हैं। वैसी डरपोक मैं नहीं, मैं त्रिलोक विजेता दशानंद लंकेश की पत्नी हूँ, मुझे किसी का भय नहीं। हाँ, भय और आशंका है तो केवल अनीति और अधर्म से। स्वामी, आपको भी कुछ ना कुछ अनुभव अवश्य होता होगा। हमें तो कुछ अनुभव नहीं होता मंदोदरी। रावण के पास आते हुए तो भय को भी भय लगता होगा। नहीं स्वामी, हर प्राणी की अंतरात्मा उसे चेतावनी अवश्य देती है। हाँ, ये बात और है कि अपने अहंकार और जय जयकार में उसे वो ध्वनि सुनाई नहीं देती। स्वामी, क्या आपको ये दिखाई नहीं देता कि जब से सीता लंका में है तब से कुछ ना कुछ अमंगल अपशगुन हो रहा है? क्या अमंगल हो रहा है मंदोदरी? स्वामी स्वामी, धुएं में काली माँ भरी मलिनता छाई रहती है, और जब मैं वेद पाठ पढ़ने बैठती हूँ तो वेद मंत्र भूल जाती हूँ। और स्वामी, मेरे दाहिने अंग, मेरे दाहिने अंग फड़फड़ाकर मुझे अशुभ संकेत देते रहते हैं। तुम्हारे इस निर्बल मन की आशंका का क्या निदान हो सकता है मंदोदरी? आप आदर सहित सीता को राम के पास वापस भेज दीजिए। नहीं, अब समझे हम तुम्हारे इस अमंगल की आशंका का सत्य कारण, सीता का सौत्य दाह। नहीं स्वामी, नहीं, सीता मेरी सौत्य नहीं है। परंतु होगी, अवश्य होगी, और वो जिस दिन हमारी पटरानी होगी तुम्हारा पटरानी पद छिन जाएगा। इसी अमंगल की आशंका के अधीन रहती हो तुम हर समय। परंतु तुम अमंगल हो या मंगल, सीता जिएगी तो लंका में, मरेगी तो भी लंका में। महाराज, लंकेश की जय हो।
ये नाद कैसा? महाराज, समाचार है कि सीता का पति राम अपने भाई लक्ष्मण और किष्किंधा के राजा सुग्रीव की बड़ी वानर सेना के साथ सिंधु के उस पार आ गए हैं। ठीक है, तुम जा सकते हो। आपने सुना स्वामी, वो अपनी सेना लेकर लंका के उस पार तक पहुंच गया। उस पार और इस पार में आकाश पाताल का अंतर है मंदोदरी। स्वामी, उसका एक दूत लंका में आया और पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। स्वामी, नीति अनीति का विवेचन करके विचार कीजिए। विचार विमर्श मंत्रियों के साथ किया जाता है मंदोदरी। बुद्धिमान, विचारवान, नीति अनीति में निपुण महाभट योद्धाओं की कमी नहीं है हमारे राज दरबार में। जो भी अब विचार विमर्श होगा राज दरबार में होगा। प्रभु, यदि हम नाव बनाना शुरू करें तो? युवराज अंगद, हमारी सेना विशाल है, कम से कम 2,000 नाव बनाने होंगे। क्योंकि मैया ने हमें केवल 2 मास का ही समय दिया हुआ है। जो भी नाव हम बनाएंगे वो समुद्र के लहरों का आक्रमण सह सकेंगे। प्रणाम प्रभु। शिविर का प्रबंध हो गया है, आपने जैसा कहा था वैसा ही हो गया। चलिए प्रभु, चलिए लक्ष्मण, तनिक विश्राम कर लीजिए। सीते, धीरज रखो, इस विशाल समुद्र को पार करके मैं अवश्य ही तुम्हें मुक्त कराने लंका आऊंगा। चाहे मुझे इस समुद्र को सोक कर ही मार्ग क्यों ना बनाना पड़े। माता, ये सारी राक्षसियां हमें देखकर बातें क्यों कर रही? सीते, तनिक याद करो, ये वही स्त्रियां हैं जो पहले तुम्हारा उपहास किया करती थीं, और आज वो तुम्हारा आदर कर रही हैं। परंतु आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि ये सब हमारा आदर कर रही हैं? समुद्र के उस पार रघुवीर राम ने वानरों की विशाल सेना के साथ डेरा डाल दिया है। क्या? लंका की हर नारी तुम्हारा राम पर विश्वास और राम की जो तुम पर प्रीति है उससे लंका की हर नारी तुमसे प्रभावित हुई है। कोई पुरुष अपनी पत्नी से इतना प्रेम कर सकता है ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। तुम्हारे और राम के प्रेम ने लंका की हर नारी को प्रेम का अद्भुत साक्षात्कार करवाया है, प्रेम का एक नया अर्थ बताया है। माँ गौरी, ऐसी ही कृपा बनाए रखना। महाराज सुग्रीव, ये तो हम जानते हैं कि हमें समुद्र के उस पार जाना है, परंतु ये नहीं जानते कैसे। प्रभु, जितना विशाल सागर है उतना ही विशाल हमारी सेना का हृदय है। यदि हमारी सेना को आज्ञा दें तो बड़ी बड़ी नौकाएं तैयार कर लें। महाराज केसरी, नौकाएं तैयार करने में समय लगेगा और इतना समय हमारे पास है नहीं। प्रभु, मेरे विचार में हमें कोई ऐसी वस्तु ढूंढनी चाहिए जो पानी पर तैर सके और साथ साथ सैनिकों का बोझ भी उठा सके। परंतु वो जो भी वस्तु हो उनके बोझ के साथ तैरते हुए लंका की ओर बहनी भी चाहिए, और वो भी शीघ्रता से। युवराज इंद्रजीत, अनुज विभीषण, सेनापति नारंतक
प्रहस्त महापार्श, दुर्मुख और मंत्रिमंडल के सभी सदस्यगण, आप सब सुन ही चुके होंगे, वो दो वनवासी भाई राम और लक्ष्मण किष्किंधा की वानर सेना समेत सागर के उस पार पहुंच चुके हैं। गुप्तचरों का समाचार है कि वो लंका पर चढ़ाई करना चाहते हैं। ये समाचार लंका में आग की तरह फैल चुका है। प्रजा थोड़ी चिंतित हो रही है। युद्ध लंका के द्वार तक आ पहुंचा है। तो क्या आप भी भयभीत हो रहे हैं पूज्य नाना जी? शांत हो जाओ युवराज। नाना जी हमारे बड़े हैं, पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, अनुभवी हैं। हम उनकी राय से सहमत ना हो, परंतु उनकी राय का सम्मान हमें सदैव करना चाहिए। सभासदों, जब भी कोई विकट समस्या आई है, हमने आप सबसे विचार विमर्श परामर्श करने के पश्चात ही निर्णय लिया है। उस दिन दरबार में बंदी बनाकर लाए वानर के वध का विचार हमने इसलिए त्याग दिया क्योंकि विभीषण की सहमति नहीं थी। वही तो भूल कर दी पिताश्री। यदि उसी दिन उस दुष्ट वानर को समाप्त कर देते तो आज ये समस्या उत्पन्न ही नहीं होती। ना वो वानर यहां से जीवित वापस जाता और ना उन दोनों को यहां का पता चलता। युवराज इंद्रजीत, भला अभी भी ऐसी कौन सी विकट समस्या आ गई है? समुद्र के उस पार आ जाने का ये अर्थ नहीं कि वे 100 योजन अर्थात 400 कोस विशाल दुर्गम समुद्र को लांघकर लंका तक आ जाएंगे। उस वनवासी राम और उसकी उस तुच्छ वानर सेना के लिए उस विशाल समुद्र को पार करना अत्यंत कठिन ही नहीं अपितु असंभव है। सेनापति, तुम तो अपने मुख से ये बात मत निकालो। तुम तो अपनी आंखों से स्वयं राम का पराक्रम देख चुके हो और युद्ध भूमि से स्वरूपनखा और अकंपन ने भागकर ही अपनी जान बचाई थी। महाराज, हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि शत्रु का एक दूत हनुमान समुद्र पार करके लंका तक पहुंच गया था, अर्थात अब हमारी लंका दुर्गम नहीं रही और उस अकेले वानर ने हमारी सारी लंका को जला दी और हमारे बड़े से बड़े महाबली, शूरवीर, नगर के रक्षक सब देखते रह गए, कोई कुछ नहीं कर पाया। अर्थात अब हमारी सुरक्षा की दीवारें अटूट नहीं रही। तो तुम ही राय दो विभीषण, हमें क्या करना चाहिए? महाराज, हमें श्री राम शत्रु के नाम में श्री मत लगाओ। क्षमा महाराज, मेरा मत ये नहीं था। हमने राम से शत्रुता स्वयं मोल ली, परंतु राम ने कभी भी प्रथम प्रहार हम पर नहीं किया। सबसे पहले बहन सुरूपनखा ने वहां जाकर उनसे अनुचित व्यवहार किया और फिर उसके बाद बिना विचारे खरदूषण ने अपने अहंकार के मद में उनसे शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया और उससे भी बड़ा अनीतिपूर्ण कार्य आपने किया। उनकी पत्नी का हरण किया और उनकी मान मर्यादा पर प्रहार किया। जी हाँ महाराज, भूल हमने की है, उसका समाधान भी हमें ही करना पड़ेगा। देवी सीता को आदर सहित उसके पति के पास पहुंचा दीजिए। पिताश्री, हमारे त्रिलोक विजयी और गौरवशाली राक्षस कुल में एक ये छोटे काका विभीषण ही है जो सदैव और सबसे अलग बेसुरा राग अलापते हैं। हम राक्षस कुल के नहीं, हम महापुण्य आत्मा पुलस्त्य वंश के हैं। पुत्र इंद्रजीत, ऐसी दम भरी निरर्थक बातें करना और बड़ों से अशिष्टतापूर्ण व्यवहार करना तुम्हें शोभा नहीं देता।
तुम अभी अनुभवहीन बालक हो। बालक हूं मैं, इंद्रजीत, देवताओं के गर्भ का अंत करने वाला, दैत्यों के, नागों के कुल को समाप्त करने वाला, ऐरावत हाथी के दांत उखाड़कर स्वयं देवराज इंद्र को आकाश से पछाड़कर धरती पर पटकने वाला यह इंद्रजीत अनुभवहीन बालक है। पिताश्री, वन में भटकने वाले दो मानव और कुछ वानर, आप उनसे भयभीत क्यों हो रहे हैं? भयग्रस्त? भय तो लंकेश के शब्दकोश में ही नहीं है जीत। नर और वानर वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। महाराज लंकेश, मैं आपका पिता समान आदर करता हूं। आप केवल मेरे लिए राजा नहीं, मेरे बड़े भ्राता हैं। जिन्हें आप साधारण से वनवासी बोल रहे हैं, उनकी शौर्य की गाथा मत भूलिए। परमवीर सुबाहु, कबंध और विराट, खरदूषण, त्रिशरा और सबसे बड़े जगत के महाबली बाली, इन सबको उन्होंने अपने बाणों का शिकार बनाया और यमलोक पहुंचा दिया। और जिस वानर का आप उपहास उड़ा रहे हैं, उसकी करनी के चिन्ह तो लंका के कोने कोने में जलकर भस्म हुई अटालिकाओं, लपटों में झुलसी हुई लंका की प्राचीरों और आग में गलकर गिरे हुए स्वर्ण स्तंभों के रूप में दिखाई दे रहे हैं। हे तात, मैं अपने समस्त विशर्वा वंश के कल्याण के लिए बोल रहा हूं। हित की बात बता रहे हैं या कायरता का पाठ पढ़ा रहे हैं काका? मैं धर्म अथवा नीति का मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं। सचिव वैद गुरु तीन जन, प्रिय बोलिन भयास, राज धर्म तन तीन कर, होए बेगिन नास। हे दशानंद, आप मद में चूर होकर एक पराई नारी को यमपाश की भांति गले में बांधकर आए, जो हमारे राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान। अतिरिक्त यदि किसी और ने ऐसे वचन कहे होते तो इसी समय अपने प्राणों से हाथ धो बैठता। क्षमा क्षमा लंकेश्वर, विचार विमर्श में इस प्रकार प्रकोप आपको शोभा नहीं देता। हे वेदवेता, तनिक विवेक से काम लीजिए। जिस पराई नारी का उसकी इच्छा के विरुद्ध पाश्विक बल द्वारा हरण किया गया हो, वो एक विषभुजी कटार की तरह हो जाती। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं भ्राताश्री, आप सीता को उसके पति के पास सम्मान सहित भेज दीजिए। इससे आपका मान घटेगा नहीं, परंतु तीनों लोकों में आपका सुयश फैलेगा। सुयश नहीं, अपयश फैलेगा। हमें कायर कहेंगे सब। वीर पुरुष जब एक बार अपना कदम उठा लेता है तो उसे पीछे खींचने में उसकी वीरता को कलंक लगता है। परंतु नीति 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 शक्तिहीन पुरुषों का बुना हुआ शब्द जाल है, जिसमें वीर पुरुष कभी नहीं फंसता। नीति शक्ति की सेविका होती है। शक्तिशाली पुरुष जो करे वही नीति है और वही धर्म बन जाता है। नहीं भ्राताश्री, नहीं 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 भ्राताश्री, यह अधर्म है और अधर्म कभी भी धर्म का साथ नहीं दे सकता। ये क्रूर शारीरिक बहुबल धर्म को नहीं हरा सकता। केवल आपके इस अधर्म कार्य से सारे कुल का नाश हो जाएगा। मैं अपने कुल के कल्याण के लिए आपके चरण पकड़कर आपसे प्रार्थना करता हूं। हमारे चरण पकड़कर हमसे प्रार्थना नहीं कर रहा है। दशानन का गर्व से उठा शीश उसके शत्रुओं के चरणों में झुकाने का षड्यंत्र कर रहा है। तो हमें पता चल गया है, वो वानर पहले तेरे घर आया, तूने उसे सीता का भेद बताया, उसने हमारी सारी लंका में आग लगाई, परंतु तेरा घर बच गया। घर के भेदी
हमें धर्म और नीति सिखाने चला है? जा उन वनवासियों के पास और उन्हें जाकर नीति सिखा जिनसे तेरी गनी प्रीत हो रही है। आप मुझे समझने में भूल कर रहे हैं भ्राताश्री, मैं तो आपको सदा ही पिता समान समझता और सदैव ही आपके कल्याण के बारे में सोचता और आज भी आपके कल्याण के लिए ही सोच रहा हूं। मैं उसी भाव से आपके फिर से चरण पकड़कर प्रार्थना करता हूं कि श्री राम त्रिलोक के स्वामी, उनसे वैर मत लीजिए। कुल कलंक दूर हो जाए हमारी दृष्टि से। लंका में तेरे लिए कोई स्थान नहीं है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, अपने विनाश की ओर जाते हुए प्राणी को अगर ईश्वर भी कल्याण की बात समझाने का प्रयत्न करें तो अपने अहंकार के मन में चूर उस प्राणी को ईश्वर भी पागल ही नजर आते और अपनी दुर्बुद्धि को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर आप लोगों की भांति हंसते हंसते अपने विनाश की गर्त में वो डूबता चला जाता है। लंकापति, हर प्राणी का यह धर्म है कि जब तक वो जी अपने स्वाभिमान के साथ जी, क्योंकि स्वाभिमान के बिना जीना कोई जीना नहीं होता, उससे तो मर जाना ही उत्तम। और नीति के अनुसार किसी सम्मानित व्यक्ति को भरी सभा में अपमानित करना मृत्युदंड के ही समान है। अर्थात मैं आज से आपके लिए हर प्रकार से मर गया। अतः आपकी आज्ञा अनुसार मैं आज ही लंका छोड़कर कहीं और चला जाता हूं और जाते हुए भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि वो आपको सद्बुद्धि दे। क्या हुआ माता? लंकेश ने महाराज विभीषण जी को लंका छोड़कर जाने को कहा है।
का दोष? उन्होंने लंकेश को ये परामर्श दिया कि तुम्हें पूरे सम्मान के साथ रघुनंदन के पास भेज दे। लंका को सर्वनाश से बचाने के लिए उन्होंने लंकेश के पांव भी पकड़े, परंतु परंतु क्या माता? परंतु उद्विग्न भाव से उन्होंने विभीषण जी को ठोकर मारी। क्या? रघुनंदन जी का पक्ष लेने के अपराध में लंकेश ने विभीषण जी को लंका छोड़कर जाने का आदेश दे दिया। सत्य में दुष्ट रावण के दिन भर गए। हमारी दशा वैसी ही है जैसे प्यासा कुएं के पास आकर भी प्यासा ही रहे। हम में से किसी को भी लंका पार करने का मार्ग नहीं सूझ रहा। प्रभु, मुझे पूर्ण आशा है कि हमें कोई ना कोई मार्ग अवश्य मिलेगा। कब तक हनुमान? कब तक हम ऐसे ही बैठे प्रतीक्षा करते रहेंगे? मां सीता आंखें बिछाए मेरी राह देख रही है, कब तक प्रतीक्षा करेगी वो? अधिक विलंब हुआ और उसने निराश होकर कुछ? नहीं प्रभु, नहीं। माता जानकी को आप पर पूर्ण विश्वास है। उनके मन में इस तरह के कोई भी कुविचार कभी नहीं आएंगे। हनुमान, मैं हमारी वानर सेना का भी सोच रहा हूं। इस समय सभी युद्ध से प्रेरित हैं, परंतु समय बीतने पर सबके मन में युद्ध की प्रेरणा ही नष्ट हो जाएगी। संभव है वो युद्ध से पीछे ही हट जाएं। भैया, मेरे विचार से हमें सभा को यहीं समाप्त कर देना चाहिए। विश्राम के उपरांत हम सभी इस समस्या पर विचार करें, विमर्श करें और कल प्रातः इस चर्चा को जारी रखें। महाराज ने कह दिया कि लंका से चला जाओ और मैंने भी कह दिया कि लंका छोड़ के चला जाओ। ये कहना तो आसान है, परंतु अपनी जन्मभूमि को छोड़ने में कितना कष्ट होता है। मुझे बार बार अपनी प्रजा और राक्षस जाति का ध्यान आता है। केवल एक पापी के पाप और उसके अहंकार के कारण सारी निर्दोष प्रजा मारी जाएगी और वीर राक्षस जाति का नाम मिट जाएगा। अपनी प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व का आभार बार बार मेरे मन में उठता है, इस समस्या का कोई समाधान नहीं दिखता। मैं कैसे अपनी मातृभूमि का संपूर्ण विध्वंस होते देख सकता हूं, उसे कैसे रोक सकता हूं, कैसे बचा सकता हूं? अब इन बातों को सोचने का समय नहीं रहा महाराज। इससे पहले कि महाराज रावण के मन में आपको बंदी बनाकर कारागार में डालने का विचार आ जाए, आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए। तुम्हें कहाँ जाऊँ? महाराज, हो सके तो प्रभु श्री राम के पास जाकर उनसे प्रार्थना करें कि महाराज रावण के पापों का दंड उनकी निर्दोष प्रजा को ना दे। ये विषय इतना गंभीर है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले मुझे अपने गुरुओं की सहमति और उनका आशीर्वाद लेना आवश्यक है। अतः मैं अपनी माता के पास जाता हूं, वो मुझे जो भी आज्ञा देंगी मैं वही कार्य कर लूंगा। दीर्घायु भगवान शंकर तुम्हारी रक्षा करे। आसन ग्रहण करो। मैं एक बहुत ही गंभीर समस्या के समाधान के लिए आपके पास आया, मुझे मार्गदर्शन कीजिए मां। बड़े ही स्थिर चित्त से बात कर रहे हो पुत्र, ऐसी क्या बात हो गई? बड़े भैया रावण ने
मुझे लंका से निकाल दिया। क्यों? आज दरबार में उन्होंने मेरा बहुत अपमान किया। परंतु क्यों? मेरे मतानुसार मैंने उन्हें परामर्श दिया था। प्रथम तो ये कि सीता का हरण करना उचित नहीं था, और दूसरा पर स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध अपने घर में रखना धर्म विरुद्ध भी। मां, सीता प्रतिवर्ता है, इसे पाप के कारण हमारी पूरी लंका का विनाश हो जाएगा। उधर श्री राम किष्किंधा के महाराज सुग्रीव के साथ और उनकी पूरी वानर सेना के साथ हमारी ओर बढ़ रहे हैं, और हमारे मंत्री हमें परामर्श दे रहे हैं कि राम और लक्ष्मण की चिंता ना करें, हमारी राक्षस सेना उनका नाश कर देगी। परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उनके एक दूत हनुमान ने हमारी पूरी लंका का नाश कर दिया था, पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया। उनकी शक्ति को कम नहीं समझना चाहिए। एक स्त्री के लिए किसी शक्तिशाली शत्रु से हमें लड़ाई मोल नहीं लेनी चाहिए। हमें देवी सीता को सम्मान के साथ उनके पति के पास पहुंचा देना चाहिए। उनको मेरा यह मत नहीं भाया। मैंने फिर भी अपना मुकुट उनके चरणों में रख दिया और कहा, हे भ्राताश्री, अपने हट को छोड़ दो और लंका का विनाश होने से रोक लो। परंतु उन्होंने अपने पैर से मेरे मुकुट को ठोकर मार दी और मुझे लंका से निकाल दिया। ये रावण ने अच्छा नहीं किया, परंतु इसके पश्चात भी तुम्हारे पास और कोई उपाय नहीं है। राजा की आज्ञा है तो तुम्हें जाना ही होगा। मां, मेरे मंत्री और मित्रों का मत है कि मुझे स्वयं श्री राम के पास चले जाना चाहिए। उनके कारण लंका की निर्दोष प्रजा को दंड ना दिया जाए। विचार अच्छा है, परंतु परंतु क्या मां? परंतु इसमें बहुत संकट है। कैसा संकट मां? श्री राम तुम्हें क्यों अपनाएंगे? तुम शत्रु के भाई हो और नीति अनुसार उन्हें तुम पर विश्वास नहीं करना चाहिए। पुत्र, उन्हें तुम्हारे साथ वही बर्ताव करना चाहिए जो वो रावण के साथ करे। तो दूसरा उपाय क्या है? क्या मैं लंका छोड़ के साधु हो जाऊं, किसी गुफा में जाकर बैठ जाऊं और अपनी लंका का नाश होने दूं? नहीं पुत्र, यह अक्रमण्यता होगी। जिसका देश संकट में हो उसे ये नहीं सुहाता। तो फिर? तुम्हारे मंत्री ठीक कहते हैं, तुम्हें प्रजा हित के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगाकर श्री राम के पास चले जाना चाहिए। या तो वो तुम्हें शत्रु पक्ष का समझकर मृत्यु दंड देंगे, और इस बलिदान से राजकुल में उत्पन्न होने के उत्तरदायित्व से तुम मुक्त हो जाओगे। यदि वो तुम्हें एक बार वचन दे दे फिर कोई डर नहीं है, क्योंकि मैंने सुना है कि रघुकुल वाले अपने वचन के बड़े पक्के होते हैं। मैं प्राण दे देंगे परंतु अपना वचन नहीं झूठा होने देंगे। मुझे लगता है कि तुम्हारे पिता महर्षि विश्वरा के कथन सत्य होने का समय आ गया है। कैसा कथन माँ? एक समय तुम्हारे पिता ने हिमालय जाते हुए कहा था, देवी, तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र रावण का विनाश काल आरंभ हो गया है। देवताओं की प्रार्थना सुनकर विष्णु ने रघुकुल में अवतार ले लिया है। अब समय आने पर उनके द्वारा रावण सहित राक्षसों का संहार होगा। कैकसी, तुम्हारा छोटा पुत्र विभीषण अपनी जाति का उद्धार करेगा। उसी के द्वारा उन राक्षसों की रक्षा होगी जो अधर्म से हटकर प्रभु की शरण में जाएंगे। सुपुत्र, मुझे तुम्हारे पिता की भविष्यवाणी सत्य होती हुई दिखाई दे रही है। पुत्र,
तुम शीघ्र ही श्री राम के पास पहुंच जाओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। माँ, मैं एक बार फिर प्रातःश्री से प्रार्थना करके देख लूं। कदाचित हो सकता है इस समय उनका गुस्सा शांत हो गया हो और वो मेरी बात सुन सके। तू बड़ा साधु है विभीषण। ठीक है, फिर एक बार प्रयास कर ले। आयुष्मान भव। यदि रावण ने तुम्हारा मुकुट ठुकराया है तो हम तुम्हारे सर पर राजा का मुकुट रखकर तुम्हारा राज्य अभिषेक करके तुम्हें लंका का राजा घोषित कर देंगे। अति उत्तम राम, अति उत्तम। मान गए तुम्हारी चतुराई को, एक मायावी को अपनी माया के चक्कर में डाल दिया। अभी तो वो समुद्र पार करने के उपाय पर सोच विचार कर ही रहे होंगे। युद्ध इतनी जल्दी सर पर आ जाएगा, इसका तो आभास ही नहीं होगा उन्हें।